नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका और आप देख रहे हैं टैक्सेशन गुरुजी। दोस्तों, यहाँ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में, जो कि हम लोगों ने लिया है ये IGST एक्ट का डेफिनेशन होगा। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ वीडियोज में बात कर रहे थे CGST एक्ट के डेफिनेशन के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था एग्रीगेट टर्नओवर की, और वहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ जो कि हम लोग वन बाय वन एक एक और डेफिनेशन को उससे कनेक्टेड जो है उनको जानते हुए चल रहे हैं। तो वहां पे हम लोगों ने दोस्तों उसके बाद टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन को कवर किया था, नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, रिवर्स चार्ज, इनवर्स सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, और उसके बाद आज इस वीडियो में हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जानेंगे, जो कि दोस्तों वही एग्रीगेट टर्नओवर में ही बात हुई थी कि यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग जीरो रेटेड सप्लाईज जो होती हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जीरो रेटेड सप्लाईज वही सप्लाईज होती हैं जो कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती है, यानी कोई भी चीज अगर गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है जो कि कंप्लाई करती है विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो उसको भी हम लोग एज अ जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड कर लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट के लिए। तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अल्टीमेटली कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैसे बनता है, यानी कब हम पहचानते हैं कि पर्टिकुलर सप्लाई जो की गई वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होनी चाहिए और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बन गई। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस लेके आ रहा हूं जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड है। और उसके बाद जो घंटी का बटन आएगा उसको बजाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और इसके साथ ही चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको राइट साइड में ऊपर आई आइकन दिख रहा होगा, जहां पे अगर आप क्लिक करें तो आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस और जीएसटी से रिलेटेड और वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पे लिस्ट दी हुई है, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो देख लें, वो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन जो कि दी गई है IGST एक्ट 2017 में, उसके सेक्शन 2 क्लॉज 5 में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में अगर जैसा कि लिखा है विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन, तो अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को सिंपली समझें, इसके ग्रामेटिकल वेरिएशन और इसके कॉग्निट एक्सप्रेशन, यानी कि इससे जो रिलेटेड है, इससे जो नजदीकी चीजें हैं, एक्सप्रेशन है, उससे अगर हम जरा समझें इसको, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि गुड्स को इंडिया से बाहर ले जाना और इंडिया के बाहर की किसी जगह पर ले जाना, यानी कि मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, गुड्स को इंडिया के बाहर ले जाना और इंडिया के बाहर किसी जगह पर ले जाना। तो दोस्तों, इसके लिए ये जानना जरूरी होगा कि इंडिया की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इंडिया की डेफिनेशन आपको बता रखी है कि हम लोग इंडिया किसे कहते हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो इंडिया, भारत जो कहा जा रहा है, उस भारत का मतलब क्या है, भारत की सीमाएं कहां तक है, हम लोग कहां तक मानेंगे कि गुड्स को इसके बाहर ले जाया गया, यानी कि गुड्स आउट ऑफ इंडिया। तो जहां तक भारत की सीमाएं होंगी, उसके जस्ट बाहर अगर आप जाते हैं तो वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया चला जाएगा टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी कि आउट ऑफ इंडिया और किसी ऐसी जगह पे जो भारत में ना आती हो, तो उस जगह पे आपको वो गुड्स को ले जाते हैं तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता है उस केस में। तो मैंने आपको ऑलरेडी इंडिया की डेफिनेशन बता रखी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है कि इंडिया का मतलब क्या होता है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, आप लोग उस वीडियो में जाके इंडिया की डेफिनेशन को जान लें। वहां पे मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया है कि इंडिया का मतलब क्या है, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड, सब सॉयल, कितने नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, कितने नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो एक्सटेंड करता है, तो ये सारी चीजें उसमें हम लोगों ने इंडिया की डेफिनेशन में बता रखी हैं। और अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, ये मानते हुए मैं कि आपने वो इंडिया की डेफिनेशन का जो वीडियो है देख लिया है, या आप इंडिया को जानते हैं कि इंडिया का कितना एरिया है, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली कहा जा रहा है कि गुड्स को इंडिया के बाहर ले जाना किसी बाहर की जगह पे, तो उसको हम लोग सिंपली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कह देंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है उससे डिफरेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में सिंपली अगर आप मूवमेंट ऑफ गुड्स कर लेते हैं, यानी कि गुड्स को इंडिया के बाहर की किसी जगह पे भेज देते हैं, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता है। लेकिन सर्विसेज में आपको कई कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनाने के लिए किसी सर्विस को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं कि इम्पोर्टर इंडिया में हो, मतलब कि इम्पोर्टर कहाँ का है, एक्सपोर्टर कहाँ का है, या इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की लोकेशन की कोई जरूरत नहीं कि वो कहाँ पे है, सिंपली गुड्स का मूवमेंट जो होता है उसी से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स डिसाइड हो रहा होता है।
और दोस्तों यहाँ पे इसको जीरो रेटेड सप्लाईज इसलिए कहा जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है, लेकिन आज हम लोग यहाँ डिटेल में बात करें तो जीरो रेटेड सप्लाईज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, इंडियन गवर्नमेंट का एक स्लोगन है कि एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, यानी कि गुड्स को बाहर भेजो लेकिन टैक्सेस बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ताकि वहां की कम्पिटेटिव मार्केट के हिसाब से जहां भी भेजा जा रहा है वहां की कम्पिटेटिव मार्केट के हिसाब से उन गुड्स को वहां पे कम्पीट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि वो ऑलरेडी इंडियन टैक्सेस के साथ माना जाए, वो टैक्सेस यहीं रह जाए। तो इसके लिए किया क्या जाता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी गुड्स है, अगर किसी गुड्स को बनाया गया है तो भी उसके ऊपर कई तरह के जीएसटीज लगते हुए आए होंगे, तो वो सारे उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा होगा, लेकिन जब वो गुड्स एक्सपोर्ट किया जाएगा तो जो एक्सपोर्टर होगा उसके पास दो तरह के रास्ते होंगे उस गुड्स को जीरो रेटेड सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट है, या तो वो एक्सपोर्टर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड ले लेगा उन गुड्स को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू एक्सपोर्ट करते हुए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दोस्तों एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि वो एक्सपोर्टर जो गवर्नमेंट के साथ करता है कि वो गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है और उन गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस न ले, तो उस केस में दोस्तों गवर्नमेंट उससे पे टैक्सेस नहीं लेती है, उस पे जीएसटी नहीं लेती है और वो गुड्स को बाहर भेज देता है और उसके ऊपर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उन सबका वो रिफंड ले सकता है, या उन सबको वो अपनी किसी और आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट यूज कर सकता है, या तो उस एक्सपोर्टर के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो उसके ऊपर आईजीएसटी का पेमेंट करते हुए सिंपली उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे और बाद में वो टोटल पेड टैक्सेस जो है उन गुड्स के ऊपर, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी आउटपुट टैक्स क्रेडिट है, टोटल पेड टैक्सेस जो है उसके ऊपर वो उनका गवर्नमेंट से रिफंड ले सकता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को जीरो रेटेड सप्लाईज में कन्वर्ट करने के लिए। और जब वो ऐसा कर लेता है तो उसके बाद वो गुड्स जो होते हैं वो जीरो रेटेड सप्लाईज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो गुड्स के ऊपर जीरो इफेक्ट आ जाता है टैक्सेस का, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको सारा रिफंड ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों ये था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है और इसको समझना इजी है, क्योंकि अगर आप इसको लिटरली वर्ड्स के साथ समझेंगे तभी ये वर्ड आपको समझ में आएगा कि गुड्स को आउट ऑफ इंडिया ले जाना, टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया ले जाना, अगर आप इन वर्ड्स को एकदम लिटरली लेंगे तभी ये डेफिनेशन आपकी हर जगह कंप्लाई करेगी कि गुड्स को आउट ऑफ इंडिया ले जाया गया और किसी इंडिया की बाहर की जगह पर ले जाया गया, तभी हम उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहेंगे। यहाँ पे सिंपली मूवमेंट ऑफ गुड्स ही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कंप्लाई कर जाता है और कोई कंडीशंस नहीं कंप्लाई करनी होती, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की लोकेशन की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, और उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उन सब का आपको रिफंड मिल जाता है, एसएससी को रिफंड मिल जाता है, या तो वो उनको किसी और आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकता है। तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि बताया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 5 में बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको यूजफुल भी लगा होगा। इसके साथ ही मैं आपको समझा पाने में, आपको कन्वे कर पाने में सक्सेसफुल रहूंगा जो कि इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, आज के लिए यहां तक, यहीं तक, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए टैक्सेशन गुरुजी चैनल को और घंटी बजाइए लेटेस्ट टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।